स्पेस को लेकर एक बड़ा सवाल आज भी हमारे दिमाग में उठता है, क्या ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? वैज्ञानिकों ने ऐसे ग्रहों की खोज की है जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं और अरबों किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये ग्रह मिलकर हमारे सौर मंडल का निर्माण करते हैं, लेकिन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इस खगोलीय सीमा से बाहर जाकर नए ग्रहों की खोज की है और इस बात की पुष्टि की है कि अंतरिक्ष की गहराई में 5000 से अधिक ग्रह मौजूद है जिनकी खोज होना बाकी है। नासा की एक्सो प्लैनेट आर्काइव ने अध्ययन के लिए 65 नए ग्रहों की खोज की जिन पर पानी, सूक्ष्म जीव, गैस या फिर संभावित जीवन हो सकता है। इनमें से पृथ्वी जैसे छोटे और चट्टानी ग्रह शामिल है। बृहस्पति से कई गुना बड़े गैसीय ग्रह भी हैं जो अपने तारे की बेहद करीबी से परिक्रमा लगाते हैं और काफी गर्म भी हैं। इनमें सुपर अर्थ जैसे ग्रह भी हो सकते हैं जो हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़े और चट्टानी हैं, और मिनी नेपच्यून भी हो सकते हैं जो हमारे सौर मंडल के नेपच्यून से भी छोटा हो सकता है। खगोलविदों का मानना है कि निकट भविष्य में इस बात की प्रबल संभावना है कि हमें अंतरिक्ष की गहराइयों में जीवन जैसा कुछ मिल सकता है, क्योंकि जीवन की खोज के लिए अब ग्रहों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है और इसीलिए जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप इस काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।